हेलो फ्रेंड्स, ये जिंदा है। आज हम आपके लिए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के 10 ऐसे जबरदस्त सर्वाइवल एडॉन्स लेकर आए हैं, जिसे अगर आप अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में यूज करोगे तो आपके गेम खेलने का मजा 100 हो जाएगा। और साथ ही साथ ये सारे के सारे एडॉन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का लाइक है मैं पूरे को पूरे 500 लाइक का। अगर आप लोग इस लाइक एम को कम्प्लीट करवाते हो तो मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही ला दूंगा। हाँ, तो अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ में देखते हैं कि आखिर कौन कौन से है ये जबरदस्त सर्वाइवल एडॉन्स। नंबर 10, टू प्लेयर्स ऑन हॉर्स। इस वाले एडॉन के तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस वाले एडॉन के अंदर हम एक हॉर्स के ऊपर दो प्लेयर बैठ सकते हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और बस इतना ही नहीं है, आप हॉर्स के अलावा भी लामा और डोंकी पर भी टू प्लेयर्स बैठ सकते हैं। गजब बेइज्जती है। तो अगर आप भी लामा, हॉर्स और डोंकी को और भी ज्यादा मेहनती बनाना चाहते हो डबल डबल प्लेयर बैठा कर, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वाले मोड को डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस आपको इस वाले एडॉन को माइनक्राफ्ट के बिहेवियर पैक में एक्टिव कर लेना होगा और आपको मतलब की बड़ी आसानी से आप भी एक हॉर्स पर टू प्लेयर बैठ सकेंगे। नंबर 9, न्यू ग्लोइंग ओर। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि गेम में ज्यादा अंधेरा होने की वजह से यूजफुल ओर्स को मैं हमेशा मिस कर देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया इस ग्लोइंग ओर वाले मोड को। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी हमारे बेस्ट ओर होते हैं, मतलब कि जो भी यूजफुल ओर्स होते हैं, वो काफी ज्यादा ग्लो करते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी मतलब केव के अंदर कितने भी अंधेरे में कभी भी इसे मिस नहीं कर पाओगे, आपकी नजर इस पर चल ही जाएगी, इतना ज्यादा ये ग्लो करता है। तो ये वाला एडॉन तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए और हो सकता है कि आपके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। इस वाले एडॉन को आपको आपके माइनक्राफ्ट के बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक दोनों में एक्टिव करना होगा, बस कन्वर्ट हो गया आपका नॉर्मल ओर ग्लोइंग ओर में। नंबर 8, वाई बायोम क्राफ्ट। अगर आप अपने सर्वाइवल गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हो कोई एक बेस्ट सा बायोम, तो आप ट्राई करो इस वाई बायोम क्राफ्ट को। इसके अंदर आपके जितने भी पेड़ है वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे और काफी बड़े बड़े हो जाएंगे और इसका स्टाइल भी काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। इस तरीके के वर्ल्ड में तो मुझे खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है और साथ ही ये जो बड़ा बड़ा पेड़ है इसे देखने में तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है और इसका स्टाइल पूरी तरह चेंज हुआ है। और इसके अलावा ये स्नो वाले बायोम के अंदर भी काफी ज्यादा चेंज नजर आता है। तो अगर आप भी कुछ इस प्रकार के वर्ल्ड में खेलना चाहते हो या फिर अपने पुराने वर्ल्ड को ही कुछ इस प्रकार का बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इसे आपके माइनक्राफ्ट के बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक दोनों में करना होगा एक्टिव। और जब आप वर्ल्ड को ओपन करोगे तो आपके मतलब जितने भी वर्ल्ड के अंदर का पेड़ होगा सारा का सारा चेंज हो जाएगा। नंबर 7, ड्यूरेबिलिटी व्यूअर। इस वाले एडॉन को एक्टिव कर लेने के बाद आप अपने वेपन और आर्मर की ड्यूरेबिलिटी चेक कर सकोगे, जैसा कि इसका नाम ही है ड्यूरेबिलिटी व्यूअर। आपके आर्मर और आपके वेपन्स की हेल्थ बतलाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर डायमंड की सॉर्ड है जिसका हेल्थ 1561 है और यहाँ पर नेदरराइट की यहाँ पर कुल्हाड़ी है जिसका हेल्थ 2031 है। मतलब नेदरराइट का तो ज्यादा तो रहवे करेगा, तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर हेल्थ वगैरह सारा कुछ दिखला देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास पैंट वगैरह जो भी यहाँ पर है, आर्मर वगैरह सारी चीजों का हेल्थ बतला देगा ये बड़ी अच्छी तरीके से। तो ये भी फुल्ली वर्किंग है और इसको भी आपको आपके माइनक्राफ्ट के रिसोर्स पैक में एक्टिव करना पड़ेगा। नंबर 6, बोटनी पोट्स। हाँ, मुझे पता है इस मोड का नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन यकीन मानो ये मोड काफी ज्यादा जबरदस्त है और काफी ज्यादा यूजफुल है। इस मोड को जब एक्टिव करोगे आप, तो आपके सामने मतलब कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, गमला वगैरह आ जाएंगे। इस गमला ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, जो भी बोलते हैं या बोटनी बोलते हैं, ये आ जाएंगे और इसके अंदर आप खेती कर सकोगे या लिटरली पेड़ की खेती कर सकोगे, मतलब पेड़ उगा सकोगे बस 1 से 2 ब्लॉक के अंदर। और उसके अंदर से आपको फल मिलेंगे और उसके बाद ट्री सैपलिंग लॉग सारी की सारी सामान मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर अभी बना के आपको एक दिखलाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा ये गमला जिसे बोटनी बोलता है और इसके अंदर आपको रखना पड़ेगा डर्ट। हाँ, पहले डर्ट तो रखना पड़ेगा ना यार, क्योंकि जो पेड़ वगैरह उगता है तो वो तो डर्ट में उगता है, तो गमला के अंदर आपको रखना पड़ेगा डर्ट पहले। तो मैं यहाँ पर डर्ट रख देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसमें डर्ट रख दिया और इसके बाद आप इसके अंदर पेड़ लगा सकोगे। मैंने यहाँ पर 1-2 पेड़ लगा दिया है। ये पेड़ इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा यार, आप मतलब घबराओ मत कि हमारे घर के अंदर यार पेड़ बड़ा हो जाएगा, ये घर के अंदर लगाने लायक है, मतलब कि छोटा सा है, घर के अंदर आप इसे लगा सकोगे। बस आपके ये घर के अंदर ही रहेगा और इतना ही छोटा रहेगा और इसके अंदर से ही आपको फल वगैरह सारी चीजें मिलेगा। यहाँ पर साइड वाले को आप देख सकते हैं इसके अंदर से अभी यहाँ पर निकल के आया लॉग वगैरह निकला, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर बहुत सारे लॉग वगैरह निकलेंगे और काफी सारा सामान इसके अंदर से निकला एकदम जबरदस्त। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा सामान आ रहा है, तो कुछ इस प्रकार की आप खेती कर सकोगे एकदम स्मॉल से स्मॉल जगह में। आप मतलब 1 ब्लॉक के अंदर एकदम जबरदस्त वाली खेती कर सकोगे। और बस आप इतनी ही फार्मिंग नहीं कर सकते इस वाले एडॉन के अंदर, इसके अलावा बहुत सारी फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मतलब जब डाउनलोड करने जाओगे तो आपको वहां पर सारी चीजें मतलब मिल जाएगी, किस तरीके से फार्मिंग करना है सारी की सारी चीजें वहां पर पता चल जाएगी आपको। हाँ, तो जितना जबरदस्त ये मॉड है उसी के हिसाब से आपको इस वाले मॉड को आपके रिसोर्स पैक बिहेवियर पैक में एक्टिव करना पड़ेगा।
और साथ ही साथ आपको एक्सपेरिमेंट सेटिंग भी ऑन करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने जितने भी मॉड बताया या एड ऑन बताया उनमें से किसी के लिए भी आपको एक्सपेरिमेंट ऑन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट ऑन करना ही पड़ेगा। नंबर 5 कस्टम डेथ। इस वाले मॉड को एक्टिव कर लेने के बाद आप जो भी मॉब को मारोगे और उसका जो पहले वाला स्टाइल होता था मरने का वो चेंज हो जाएगा, बोले तो कस्टम डेथ स्टाइल आ जाएगा इसके अंदर, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा। और खासकर वो जो स्केल्टन का था और जोम्बिया का मरने का स्टाइल था वो तो एकदम ऑसम था एकदम। अभी मैं आपको दिखला ही देता हूँ यार, मैं आपको बोल ही रहा हूँ तो मैं आपको दिखला ही देता हूँ कि आखिर किस तरीके का स्टाइल इसको मरने का स्टाइल जो एकदम रियलिस्टिक टाइप हो चुका है। पहले मैं इस पिक को मार देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो पिक जो है वो ऊपर की तरफ जाता है मरने के बाद, और यहाँ पर मैंने इस स्केल्टन को भी स्पॉन किया, ये तो वैसे ही धूप में जलने लगा। तो पहले अभी ये छाड़ में आ चुका है आराम से, तो मैं इसे मार देता हूँ और देखता है। आप यहाँ पर देख सकते हो यार पूरा इसकी हड्डी एकदम अलग अलग हो गई, छिड़िया आ गई पूरी तरह, अजीब सी देखने में लग रही है एकदम, मतलब थोड़ा मस्त देखने में लग रहा है रियलिस्टिक टाइप। और इस जोम्बिया को भी देख सकते हो, इसका भी मतलब कि पैर अलग हो गया, सिर अलग हो गया, मैं कहा ही बोल रहा हूँ यार, इसका पैर और सिर दोनों अलग हो गया, जो कि मतलब मस्त देखने में लगता है एकदम, सेटिस्फेक्शन वाला फील होता है इसको मारने में, एकदम मज़ा ही आ जाता है यार। तो एक बार और मैं इस स्केल्टन को मारता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं यार मज़ा आ रहा है एकदम। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इस वाले एड ऑन को भी आपको आपके माइनक्राफ्ट के रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक दोनों में एक्टिव करना पड़ेगा, और बिना किसी एक्सपेरिमेंट सेटिंग को ओपन किए मतलब ऑन किए इस वाले मॉड का मजा ले सकोगे आप। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ऐसे में आपको वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, और अगर आप इसी तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एड ऑन। नंबर 4 डैमेज इंडिकेटर। जैसा कि इस वाले एड ऑन का नाम है, इसका काम भी वही है। इस वाले मॉड को एक्टिव कर लेने के बाद आपको हर एक मॉब का हेल्थ देखने को मिल जाएगा, और साथ में आपको विलेजर और अगर आप किसी के साथ मल्टीप्लेयर खेल रहे हो तो उसका भी हेल्थ देखने को मिल जाएगा, और अगर आप उसे हिट करोगे तो उसका दिखलाएगा भी कि आपने उसे कितने का डैमेज दिया है और उसका भी कितना हेल्थ बाकी है। तो इससे आपके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। कई बार आप किसी मॉब को मारते रहते हो और सोचते हो यार ये मर क्यों नहीं रहा है, तो ऐसा में आपको पता चल जाएगा कि भाई अभी इसका 2 हेल्थ बाकी, 4 हार्ट बाकी, मतलब कितना बाकी, वो सारी चीज आपको पता चल जाएगी। तो ये वाला एड ऑन भी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इस वाले मॉड को भी आपको करना कुछ भी नहीं, डाउनलोड करना और आपके माइनक्राफ्ट के रिसोर्स पैक के अंदर एक्टिव कर लेना पड़ेगा, और साथ से बिहेवियर में भी करना पड़ जाए। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वाले पैक को आपको सिर्फ और सिर्फ आपके माइनक्राफ्ट के रिसोर्स पैक में एक्टिव करना पड़ेगा, और आप भी बड़ी आसानी से चेक कर पाइएगा किसी भी मॉब या अपने फ्रेंड या फिर विलेजर प्लेजर का हेल्थ। नंबर 3 स्वैम्प बोट। ये मॉड हम सभी MCPE प्लेयर के लिए तो काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा MCPE में जो हमें मतलब तो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में जो हमें बोट मिलते हैं उस पर हमें कोई भी चेस्ट नहीं मिलती देखने को, या फिर हम उस पर चेस्ट रख भी नहीं सकते। लेकिन इस वाले मॉड को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक स्वैम्प बोट देखने को मिलेगी, जिस पर ऑलरेडी एक चेस्ट रहेगा, और इस चेस्ट के अंदर आप सामान रख के कहीं भी जा सकते हो और कहीं भी जाकर इस चेस्ट का सामान निकाल सकते हो। लेकिन इस बोट की दिक्कत बस थोड़ी सी यही है कि इस बोट को आप क्राफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बोट आपको स्वयं बायोम के आसपास आपको नेचुरली स्पॉन मिल जाएगी, लेकिन ये काफी रेयर होता है। पर इसके लिए भी कोई बात नहीं, अगर आपको ये चाहिए ही चाहिए तो इसे आप समाउन भी कर सकते हो। उसके लिए आपको स्क्रीन पर कमांड दिख रहा होगा, ये वाली कमांड डालने के बाद आप इसे समाउन कर सकते हो कहीं भी। एक बार इसे समाउन कर लेने के बाद आप इसे सर्वाइवल में यूज करो यार, कहीं भी एकदम मजा ही आ जाएगा। और ये देखो मैं कहां पर इसे स्पॉन कर दिया, अभी मुझे इसे पानी में लेकर जाना पड़ेगा। तो इस वाले एड ऑन को आपको आपके माइनक्राफ्ट के बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक दोनों में एक्टिव कर लेना पड़ेगा, और इस बोट का यूज कर सकोगे आप भी बड़ी आसानी से एक बार समाउन कर लेने के बाद। नंबर 2 अल्ट्रा फार्मिंग। अगर आपको माइनक्राफ्ट के अंदर फार्मिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और हमेशा आप अपने सर्वाइवल या किसी भी गेम प्ले के अंदर खाली फार्मिंग ही फार्मिंग मचाए रहते हो, तो ये मोड तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। इस वाले मोड के अंदर आपको 8 न्यू अलग अलग तरह की फार्मिंग देखने को मिलेगी, उसमें से एक चावल की फार्मिंग भी है, और साथ ही साथ इसमें एक नई तरीके की टेबल, जिसको पता नहीं कौन सी टेबल बोलते हैं वो टेबल, उसके बाद नूडल्स, और यहाँ पर चावल रखने के लिए ये बक्सा वगैरह भी मिलता है, टोकरी भी देखने को मिल जाएगी साथ में। अभी मैं थोड़ा सा इसमें इन्वेंट्री के अंदर जाके मतलब दिखलाता हूँ, तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं काफी सारा आइटम है यार मेरे, जो तो इतने का नाम भी याद नहीं है, मतलब बहुत सारा नया नया आइटम्स देखने को मिल जाएगा। और इतना भी कम नहीं था तो इसके अंदर आपको एक ट्रैक्टर भी देखने को मिलेगा जिसे आप चला भी सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो यार बहुत ही ज्यादा मतलब की अजीब लग रहा है इस ट्रैक्टर को चलाने में मुझे माइनक्राफ्ट के अंदर, लेकिन है तो है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। फार्मिंग वाला मॉड है तो फार्मिंग की सारी सामान देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। तो अगर आप भी इस ट्रैक्टर को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर चलाना चाहते हो और चावल वगैरह जो भी उन सभी चीजों को लेना चाहते हो, यार ट्रैक्टर मर गया, कैसा ट्रैक्टर था बे, हाँ तो उन सभी चीजों को लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो इसे डाउनलोड कर लेना होगा। उसका डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इसको मतलब रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक दोनों में एक्टिव कर लेना होगा। उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट सेटिंग जो भी है उन सभी को ऑन कर देना होगा। हाँ यार मैंने जो भी मॉड बताया उनमें से बस ये 2 ही मॉड था जिसका मतलब एक्सपेरिमेंट सेटिंग को ऑन करना पड़ता था, और तो हाँ बस एक्सपेरिमेंट सेटिंग को ऑन करो, उसके बाद आप खेल सकते हो इस वाले मॉड को।
भी बड़ी आसानी से। तो अभी हम देखने वाले वीडियो का लास्ट एड ऑन, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जितनी जल्दी इस वीडियो का लाइक एवं कम्प्लीट करवाओगे उतनी जल्दी मैं इसका पार्ट टू लाने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी हम देख लेते हैं वीडियो का लास्ट मोड। नंबर वन, ऑटो इन्वेंटरी। इस पूरी वीडियो का सबसे ज्यादा यूजफुल एड ऑन तो मुझे यही लगा। इस एड ऑन को एक्टिव कर लेने के बाद आप जब भी माइनिंग पर जाओगे बस आपकी पिकेक्स वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक आपकी पिकेक्स माइन कर सकती है। वहां तक आप जो भी माइन करोगे वो डायरेक्टली आपकी इन्वेंटरी में आकर जमा होगा, ना कि नीचे इकट्ठा होगा, मतलब नीचे से उठाने में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने लावा के ऊपर से यहाँ पर डायमंड को माइन किया और वो डायरेक्टली मेरी इन्वेंटरी में जमा हो भी चुका, और जो भी मैं माइन कर रहा हूँ वो डायरेक्टली मेरी इन्वेंटरी में ही आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ वगैरह बच जाता है, वरना काफ़ी बार मैं होता हूँ कि लावा के अंदर गिर जाता है मेरा डायमंड या खुद ही मैं गिर जाता हूँ। तो इससे मतलब कि मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एड ऑन है। इस वाले एड ऑन को आपको सिर्फ और सिर्फ आपके माइनक्राफ्ट के बिहेवियर पैक में एक्टिव करना पड़ेगा और आपका सामान कभी भी नहीं गिरेगा, या फिर आपका फ्रेंड जो होता है वो कभी भी आप सामान गिराते हो, मतलब कट वेट करते हो, माइनिंग करते हो, वो उठा लेता तो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्टली आपके इन्वेंट्री में ही सामान ऐड होगा। फ्रेंड्स, ये थे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के 10 सिंपल सर्वाइवल एड ऑन्स। मैंने इस वीडियो में कोई भी ऐसे एड ऑन्स को नहीं ऐड किया जो कि बोलो माइनक्राफ्ट का पूरा पूरा चेंज कर देता, नक्शा ही चेंज कर देता, जैसे कि ऑटो माइनर होता और भी बहुत सारा एड ऑन होता जो कि सर्वाइवल के लिए ही होता, लेकिन वो पूरा पूरा माइनक्राफ्ट को चेंज ही कर देता। इसमें वीडियो में मैंने एकदम सिंपल सिंपल एड ऑन को ही ऐड किया है। तो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए तो बस 500 लाइक कंप्लीट करवा देना, जल्दी से जल्दी मैं इसका पार्ट टू भी बना दूंगा। तो आई होप कि आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी इस वाली वीडियो को और वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो फिर मिलेंगे किसी ने वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।